जो कि अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने जनसुनवाई की और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। पानी, पुलिस और जमीन के मामले सबसे ज्यादा यहां देखने को मिले। स्थानीय प्रशासन पर काम नहीं करने के आरोप लोगों ने लगाए। स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर भी लोगों ने ज्ञापन सौंपे। तो जिस दौरान जनसुनवाई हो रही थी, देखिए कैसे लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे अपनी अपनी गुजारिश लेकर, और मुख्यमंत्री ने सबको आश्वासन दिया। लेकिन सबसे खास बात है कि स्थानीय प्रशासन अधिकारियों को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान दिखे। और देखिए वाम नेता भी पहुंचे हैं, लेफ्ट के लीडर्स भी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए, जिसमें कई जगह पर कॉलेजेस की समस्या बताई गई कि कहीं पर कॉलेज नहीं है, वहाँ कॉलेज खोलने की ज़रूरत है, कहीं पर कॉलेज है लेकिन वहाँ पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। इसलिए अपनी अपनी गुजारिश लेकर, अपनी अपनी फरियाद लेकर ये लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुँचे और सबका उन्होंने देखिए कैसे आदर के साथ सबसे बात की। लेफ्ट के लीडर्स से भी उन्होंने बातचीत की और आम जन से भी मुलाकात की। और जो सबसे अहम बात रही, पानी की समस्या एक जो बड़ी समस्या रही है, पुलिसिंग की समस्या जिसको हम देखते हैं कि कैसे पुलिस पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो अनदेखी कर देते हैं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, सरकार के आदेश के बाद भी वो उतने सतर्क दिखाई नहीं देते लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो ऐसे अधिकारियों की शिकायत भी सामने आई है, जिस पर आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे थे। सभी वर्गों के लोगों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जो तय समय था 10 बजे, 10 बजे से जनसुनवाई शुरू हो गई थी मुख्यमंत्री आवास पर। तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और देखिए कैसे यहां पर लोगों ने अपना प्रेम भी जाहिर किया, सम्मान भी जाहिर किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, हमने देखा कि सबसे बड़ी जो समस्या रही पानी की और पुलिसिंग की समस्या वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर ऐसे अधिकारी या ऐसे पुलिस वाले जो काम नहीं करते हैं, उनके लिए क्या एक्शन प्लान हो सकता है मुख्यमंत्री का? देखिए, ये सिर्फ एक महकमे की समस्या नहीं है जो लोग लेके आए, बल्कि विभिन्न विभागों से जुड़ी जो समस्या है वो लोग लेके आए हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे पानी को लेके हो, सड़क को लेके हो, शिक्षा जिनमें स्कूल खोलने या कॉलेज खोलने को लेके जो है, वो जितनी भी समस्या है जो जनता से जुड़ी हुई सीधी से, तो अलग अलग क्षेत्र के चूंकि जनप्रतिनिधि आए हैं, आम लोग आए हैं, विधायक आए हैं, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं, कई ऐसे लोग भी आए हैं जो मुख्यमंत्री को आमंत्रण देने आए अपने कार्यक्रम में आने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, ऐसे लोग भी आए जो मुख्यमंत्री का आभार जताने भी आए हैं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडल आए हैं। तो जितने भी जो लोग मिलने आए, सबसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं का निपटारा करने का भी पूरा आश्वासन दिया है, और जो समस्या छोटी मोटी है जो तुरंत जो है उनका निपटारा हो सकता है, उनके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विभिन्न विभागों से जुड़े हैं आपस में, जिनके लिए अभी बातचीत की जरूरत है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार इनको लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जो भी जनता के हित में सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो सकेंगे वो किए जाएंगे। और बड़ी चीज ये है कि जो जयपुर में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी, जो तनाव हुआ था, वो जब तनाव खत्म हुआ, जो सौहार्द का वातावरण फिर से स्थापित हुआ, उसके लिए भी जो है विभिन्न समाजों के जो है जो प्रतिनिधि मंडल है वो आए थे, मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए आए हैं। कई जो रामगढ़ क्षेत्र की बात करें, हाँ, वहाँ के लोग जो नेशनल हाईवे है उसकी समस्या को लेकर आए थे कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कई जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, वो आए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट टैक्सी जो संघर्ष समिति है उसके जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पे आए। तो तमाम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहला का मौका मिला है लंबे समय बाद कि सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, उनकी अपनी बात बताएं, क्योंकि देखिए लोग मुख्यमंत्री के पास तब आते हैं जब स्थानीय स्तर पर किसी कारण से उनकी समस्या का निवारण नहीं हो पाता या अधिकारी उनकी नहीं सुनते, ऐसे में उनको एक ही जो है मौका मिलता है कि सीधे मुख्यमंत्री के पास जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के दरवाजे लोगों के लिए खुले। और आज सोमवार का दिन था, सुनवाई का दिन तय किया गया था, और ऐसे में सुबह 10 बजे का जो समय। हाँ नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर हर वर्ग के लोगों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, किसी ने आभार व्यक्त किया, किसी ने अपनी समस्याओं को लेकर अपनी व्यथा बताई, और मुख्यमंत्री ने हर किसी की बात को तल्लीनता से सुना और मदद का आश्वासन दिया।